आसिम साहब सवाल पूछ रहे हैं दिल्ली से कि मुफ्ती साहब ये बताइए, रजब के महीने में कोई रोज़ा है जिसकी कोई ख़ास फजीलत हो? अगर है तो कब है, एक है या एक से ज़्यादा है? देखिए आसिम साहब, रजब के महीने में कोई ख़ास रोज़ा साबित नहीं है। हाँ, नफिल रोज़े आप जितने चाहें रखें, रजब के अलावा भी रख सकते हैं, रजब में भी रख सकते हैं, कोई तादाद फिक्स नहीं है। जितने चाहें रखें, एक रखना चाहें एक रख लें, 10 रखना चाहें 10 रख लें। और अगर आप माशाल्लाह सेहतमंद हैं, जिस्म आपका अच्छा है, पूरे महीने रखना चाहें तो पूरे महीने रख लें। वैसे भी सर्दियों के अय्याम चल रहे हैं, सवाब ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा ये बात भी याद रखें कि रजब के महीने के जो रोज़े हैं, ये कोई फ़र्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, नफिल है। कोई रखता है तो बेहतर है, नहीं रखता तो भी ठीक है। अलबत्ता एक बात मैं अपनी जानिब से आम तौर से इस सवाल के जवाब में कहता हूँ, वो ये कि रजब के महीने में जब कभी भी रोज़े रखें तो पहले ये देख लें कि मेरे कोई छूटे हुए रोज़े हैं कज़ा। ख़ास तौर से ख़वातीन के साथ निस्वानी मजबूरी की वजह से बिचारियों के साथ ज़्यादा रोज़े वगैरह छूटने की नौबत आ जाती है, ख़ास तौर से ख़वातीन। अगर कोई रोज़ा है ऐसा, या कुछ रोज़े हैं ऐसे जो पहले कभी कज़ा हुए थे किसी भी वजह से, बहरहाल उन रोज़ों की कज़ा वो पहले रखें। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। आपको ये चाहिए कि आप जो है वो नफली रोज़े रखें, जितने मर्जी रखें अपनी ताकत के मुताबिक। अल्लाह तबारक व तआला खैर का मामला फरमाए।